स्टूडेंट वर्ल्ड एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 7.1 एनसीईआरटी का जो चैप्टर है इंटीग्रेशन का, वो आज डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर 7.1 आपको क्लियर करना अच्छे से, तो इतना फार्मूला मान लीजिए, चाहे इसको आप इसको याद रखना, आपको करना पड़ेगा, ये दोनों को याद करना पड़ेगा। ये डिफ्रेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, मेन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लिखा हुआ। अगर ये सब आपको मुंह पे रहता है तो आप 7.1 आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर का tan x, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x * tan x का tan x, cos x * cot x का माइनस cot x, 1 का x, इतना होता है। इसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी इंटीग्रेशन जो आता है c से जिसका स्टार्ट होता है उसमें माइनस रहता है, आपका साइन गड़बड़ाएगा नहीं। इसमें जहां तक डिफरेंशिएशन में बात रहा तो सी वाला इसमें भी माइनस रहता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी इसमें सी नहीं, यहाँ पे साइन एक्स जो रहता है निगेटिव रहता है, बाकी सब सी से जो स्टार्ट है वो तो निगेटिव रहता है। इतना आप ध्यान रखिएगा तब वो फार्मूला कम्प्लीट होगा। अगर नहीं याद है तो वीडियो को पोस्ट करके आप फार्मूला लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि बिना जब तक फार्मूला जैसे कि आपको नहीं इतना आएगा कम से कम, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इतना आप कम से कम याद कर लीजिए या समझ लीजिए, इतना आपको मुंह पे रहना चाहिए। तो आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे 7.1। हम क्वेश्चन इस पर लिख लिए हैं, 7.1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वन बाई वन क्वेश्चन हम करवाते हैं। जैसे कि पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो हमको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है। इसको पूरा का हम ये एंगल होता है, इसको पूरा एक्स मानते हैं, मान लीजिए। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स से जहाँ पर 2x है तो 2x लिख देंगे, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है लेकिन निगेटिव में होता है। और जो एंगल में जो जिसका मल्टीपल रहेगा, जिस अंक का मल्टीपल रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। यही इसका इंटीग्रेशन होगा। कहीं कहीं कोई कोई बुक में ऐसे भी इसको लिख सकता है, इससे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर में दिया हुआ है cos 3x है, इंटीग्रेशन करना है। cos का हम जानते हैं sin x होता है, तो sin 3x हो जाएगा, और जो भी एंगल में मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। e के पावर 2x दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका याद रखिएगा, e के पावर x जब रहता है उसका इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, तो ठीक है। तो इसी तरह e के पावर 2x के e के पावर 2x हो जाएगा, लेकिन हमें बताया कि जो x से जो मल्टीप्लाई में रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा, प्लस सी कर दीजिएगा। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर में दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी के स्क्वायर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स करना है, तो ठीक है। ए एक्स प्लस बी आप लोग जानते होंगे कि इसमें प्लस वन होते हैं, जितना पावर आता है उसमें प्लस वन होता है, और जितना पावर जुटकर हुआ उसको से डिवाइड कर देंगे, तीन हुआ तीन से नीचे डिवाइड कर देंगे, हाँ एक्स का जो मल्टीपल रहेगा उससे नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, ए एक्स प्लस बी के पावर 3/3a + c, यही इसका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कैसे बन रहा है। आपको जितना आप रिवाइज करिएगा, इसको जितना बार बार बनाइएगा उतना ही आपको क्लियर होगा और आएगा आपको। जब तक नहीं बनाइएगा तो नहीं आता, एक बार बनाइएगा, दो तीन बार बनाइएगा, अपने आप एकदम रटा जाएगा, एकदम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 2x माइनस 4 के पावर इतना दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको क्या करना है कि आपको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिएगा, साइन 2x इंटू dx इसका अलग कर लीजिएगा, आप माइनस करके 4 को बाहर रख सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर रख सकते हैं, e के पावर 3x इंटू dx इसका अलग कर लेते हैं। तो साइन x का हम बताए हैं कि cos x होता है, cos x लेकिन माइनस में होता है, ठीक है। और जो x का मल्टीपल होता है उसे डिवाइड करते हैं, और माइनस 4 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, लेकिन x से जो मल्टीपल रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यही आपका हो गया माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3
e के पावर 3x + c लिख सकते हैं। तो ये आपका चौथा पांचवा नंबर बन गया। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। छठा नंबर में आपको दिया है 4e के पावर 3x + 1 × dx इसका करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, 4e के पावर 3x × dx इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, 1 का dx अलग अलग कर लेते हैं। 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x। आपको हम बताए थे कि x से जो मल्टीपल रहेगा उसका डिवाइड कर देना है, प्लस x का इंटीग्रेशन आपको पहले ही बता चुके थे फार्मूला में, x का 1 का होता है x प्लस c होता है, ठीक है। तो ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, रुक जाओ फ्रेंड, सातवां नंबर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, पहले इसको है इसमें गुणा कर देना है, इसको भी इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इसको गुणा करेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्स स्क्वायर इसको कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर देना है, हम -1 का इंटीग्रेशन अलग कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं जितना पावर आता है उसको एक जुटता है, यानी 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, -1 का होता है एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन हो गया, ax² + bx + c, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ए तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाता है, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस होगा और उतना से ही डिवाइड होगा, 3 हो गया। बी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, एक एक्स के पावर कुछ नहीं है तो एक्स के पावर 1 मान लिए तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और सी कांस्टेंट है तो उसका कुछ नहीं होता, उसका 0 होता है, तो ठीक है, इसका इतना हो जाएगा प्लस सी, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, देखिएगा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्स रूट में है 1/3, फिर ऐसे रूट में है, इसका स्क्वायर किए हुए हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फार्मूला से इसको हम पहले सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन टाइप को कर देंगे, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इस तो मतलब रूट से निकल जाएगा, आप प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे माइनस है तो माइनस होता है, -2ab होता है ना तो +2ab होता है। तो यहाँ पर फिर इसका जैसे कि देखिए ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, ये फार्मूला होता है। तो इस इसी फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा खाली एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी 1/x हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ए भी रूट से निकल जाएगा, -2 × a यहाँ पर कितना है, a हो गया रूट एक्स इंटू 1/√x, यहाँ पर b हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1/√x, देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जा रहा है आपको एक्स 1/x और -2। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, जानते हैं कि x का अगर कुछ पावर नहीं तो 1 माना जाता है, तो x के पावर 1 है तो यहाँ पर 1 आउट जुटेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको पता है क्या चीज होता है, log x होता है, और -2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका 2x हो जाएगा, ठीक है, आप प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। हाँ, तो देखिए अभी जो क्वेश्चन इसके पहले बताया वो 10th नंबर नहीं क्वेश्चन था, वो 9th नंबर क्वेश्चन, वो 10th नंबर क्वेश्चन था, 9th नंबर छूट गया। 9th नंबर देखिए क्या होता है, 2x² + e^x दिए हुआ था, ये क्वेश्चन था 9th नंबर क्वेश्चन। अभी इसके पहले जो बताया वो 10th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका कॉन्स्टेंट हो गया x² / 3 हो जाएगा, 1 प्लस होता है बाई डिवाइड हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए प्लस सी, यही हो जाएगा 9th नंबर। 10th नंबर आपको बता ही दिए। अब 11th नंबर देखिए, 11th नंबर क्या बताया, कह रहा है x³ + 5x² - 4 / x², ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करते हैं, इसको से हम सब में अलग अलग डिवाइड दे देते हैं, तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x² बाई x² माइनस 4y x² कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर से ऊपर काटेंगे तो ऊपर बच जाएगा x खाली, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको कट जाएगा तो यहाँ बचेगा खाली 5dx, इसका अलग कर देंगे, अब माइनस 4, ये x² जो नीचे है ऊपर जाएगा तो x से पावर माइनस 2 हो जाएगा, इसका dx अलग कर देंगे, x का करेंगे तो x² बाई 2 होता है, अब प्लस 5 का हो जाएगा 5x, अब माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, इसका करेंगे तो माइनस 2 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो x से पावर माइनस 1 बचेगा, अब माइनस 1 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर समझिए, तो यहाँ बचेगा x² बाई 2 और प्लस 5x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और 4 बाई एक्स के पावर माइनस 1 है तो x नीचे आ जाता है, अब प्लस c, तो ये आपका हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको भी अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, सब में हम इसको से डिवाइड कर देंगे, तो x³ बाय रूट x कर देंगे, अब प्लस 3x बाई रूट एक्स कर देंगे, अब 4 बाई रूट एक्स कर देंगे, इसका अलग अलग हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन पहले देखिए x अगर अंदर रूट में है इसका मतलब ये है कि x³ बाई एक्स के पावर 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है 1/2 dx, और प्लस इसका भी होता है 3x यहाँ पर तो पावर 1 है, इसका 1/2 है, नीचे का 1/2 है, तो ऊपर अगर इसको हम ले जाते हैं तो 1 में से 1/2 घट जाएगा, ठीक है, इसका dx अलग निकाल देंगे, प्लस 4 x के पावर 1/2 है क्योंकि रूट में है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है, तो इसको अगर ऊपर हम ले जाते हैं 3 में से घटाते हैं, बेस समान है तो ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो 3 में से अगर हम 1/2 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 6 में से 1 5/2 बच जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा, इसको अगर हम घटाते हैं प्लस तो यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ कॉमन इधर ले लेते हैं, x में तो 1/2 बचेगा इसका dx, अब 4 तो कांस्टेंट है और इसको x के पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन हम करते हैं सबका अलग अलग, इंटीग्रेशन करने के लिए जितना पावर आता है उसमें 1 जोड़ते हैं, तो 1 अगर जोड़ेंगे एक से पावर 5/2 में तो हो जाएगा 7/2 और उतना से ही डिवाइड कर देते हैं, प्लस 3 यहाँ तक पहले से कांस्टेंट था, इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा एक से पावर 3/2 और उससे डिवाइड कर देंगे 3/2, आया 4 तो पहले से कांस्टेंट है, और एक से पावर 1/2 में 1 अगर जोड़ते हैं तो एक से पावर 1/2 आ जाएगा और 1/2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, अब इसको सही कर लीजिए, 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस ये ऊपर जाएगा 3 × 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3 × 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2x³ 3/2 और प्लस यहाँ 4 है और पलटेगा तो 2/1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x² 1/2 या x इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x के ऑल अंडर में रूट प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, हाँ तो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर में क्या दिए हुए हैं, 13 नंबर में दिया है x³ माइनस x² प्लस x-1 डिवाइडेड बाई दिया हुआ x-1, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो इसको क्या किया जाए कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए, तो इसको क्या किया जाए कि x³ माइनस x² को x-1 से डिवाइड कर दिया जाए, और इसका है x-1 बाई x-1 कर दिया जाए अलग अलग, ठीक है, इस तरह से इसको किया जाए, तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन इसका इसको क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड अगर करते हैं आप, अगर आपको डिवाइड आता होगा अलजेब्रा में अगर पढ़े होंगे तो आप इसको डिवाइड अगर करिएगा तो यहाँ पे आप x² से करिएगा तो x³ माइनस x² पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका डिवाइड करिएगा तो खाली x² बचेगा, ठीक है, तो इसके जगह पे हम x² लिख सकते हैं dx अब प्लस ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है 1 आ जा रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन करेगा तो प्लस वन तो थ्री बाई थ्री, प्लस वन का इंटीग्रेशन एक से प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 13 नंबर। अब 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 14 नंबर में बोल रहा है 1 माइनस एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स है, इसको गुना कर लेना है। इसको रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो रूट एक्स मतलब क्या होता है, 1/2 ऊपर है, ठीक है। माइनस इसका 1/2 ऊपर है, इसका 1 है, तो x के पावर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम अलग कर देंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें 1 जोड़ते हैं, तो x से पावर 1 अगर जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस x के पावर इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 3 × 2 5 5/2 और बाई 5/2 प्लस सी। इसको सीधा कर देते हैं, 2/3 एक्स के पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस सी। ये आपको बन गया कितना नंबर क्वेश्चन था, ये एक्स माइनस 14 नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर में है एक्स रूट में है 3x स्क्वायर है प्लस 2x है और प्लस 3 है dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट एक्स को सबसे गुना कर लेना है। अगर रूट एक्स को सबसे गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स मतलब क्या होता है, रूट एक्स मतलब इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 होता है, ठीक है। एक्स पावर 1/2 होता है, तो इसको आप एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 2 × x इंटू एक्स पावर 1/2 और प्लस 3 × रूट एक्स यानी एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, गुना में रहता है, अगर बेस समान रहता है गुना में रहता है तो प्लस हो जाता है, तो 3 × x पावर 3/2 हो जाएगा, होगा ना, 2 + 1/2 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, इधर है 2 × x पावर 1 यहाँ पे है, 2 है, यानी 3/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, प्लस 3 × x पावर 1/2 तो 2 है, ये इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। देखिए 3 × 3 कांस्टेंट है, 3 तो हो ही जाएगा, और एक्स के पावर 1 इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो 7/2 हो जाएगा, होगा ना, 7/2 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 7/2 से, प्लस 2 तो कांस्टेंट यहाँ पर है, एक्स के पावर 3/2 है तो 1 प्लस करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, डिवाइडेड कर देंगे 5/2, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, एक्स के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/7 एक्स के पावर 7/2, अब प्लस इसका उल्टा करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, एक्स के पावर 5/2, अब प्लस इसको उल्टा करेंगे तो 3 × 2/3 आ जाएगा, यानी 3 × 3 कट जाएगा, एक्स के पावर 3/2 आ जाएगा, तो 6/7 एक्स के पावर 7/2 अब प्लस 4/5 एक्स के पावर 5/2 अब प्लस 2 × x पावर 3/2। आपको समझ में आ गया हो कैसे कैसे हुआ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, 2-3 बार बनाइएगा आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट में अपना बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया, आपको हम दम सॉल्व करेंगे, पक्का दम सॉल्व करेंगे आपका। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x - 3 cos x प्लस e के पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तब आपको बताया कि अलग अलग करके सो इंटीग्रेशन हम करते हैं, इसका अलग कर देते हैं, dx माइनस 3 cos x का अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, प्लस e के पावर x का अलग इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, ठीक है। और 2 का तो 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का पता है कि x का पावर 1 होता है तो 1 जोड़ेंगे और डिवाइड 2 कर देंगे, इसका हो गया 3 × cos x का हमको पता है इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस e के पावर x का e के पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट ही गया, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, जल्दी बहुत फास्ट हो रहा है या बहुत स्लो हो रहा है, तो आप कमेंट करिए, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसका ध्यान रखेंगे। आप कमेंट करिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या सही लगा क्या गलत लगा, आप कर सकते हो उस हिसाब से हम अगला वीडियो सही करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है,
तो इसका इंटीग्रेशन हम फिर करेंगे, एक्स स्क्वायर को अलग ले लेंगे, डी एक्स कर लेंगे, थ्री इंटू साइन एक्स डी एक्स कर लेंगे, और फिर प्लस पाँच रूट एक्स का हम अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। समझ रहे हैं, समझिएगा। देखिए दो तो कांस्टेंट है, उसका तो नहीं होता, इसका करेंगे एक्स के पावर तीन बाई तीन, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, थ्री है तो थ्री, और साइन एक्स का हमको पता है कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, लेकिन कॉस एक्स होता है माइनस में होता है, तो माइनस यहाँ पर लगेगा, तो यहीं पर माइनस है, माइनस यहाँ हो जाता है प्लस, ठीक है। अब प्लस चाहे अगर हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर छोड़ ही देते, इसी को माइनस रखते हैं, ठीक है। अब प्लस पाँच, तो पाँच रहेगा रूट एक्स, मतलब इसका मतलब वन बाई टू है, एक से पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, ताकि वन में वन प्लस टू जोड़ेंगे थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए टू बाई थ्री एक से पावर क्यू, यहाँ माइनस है माइनस, फिर प्लस हो जा रहा है, तो थ्री कॉस एक्स अब प्लस, यहाँ पलटेगा तो दस बाई थ्री एक से पावर थ्री बाई टू अब प्लस सी। इसको आप अच्छा से उतार लीजिए, हम बहुत जल्दी मिटा देना शायद, देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, sec x और फिर sec x प्लस tan x dx, तो इसको क्या करना है, इसको भी इंटू कर लेना है, ब्रैकेट में इसको इंटू करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है आपको tan x, आप प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x आप प्लस c, ठीक है। तो इसका भी हो गया 18 नंबर बन गया। अब 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, sec स्क्वायर x अब बाई cos स्क्वायर x dx, ठीक है, dx कह रहा है, ठीक है। sec स्क्वायर इसको देखिए क्या करना है, हमको पता है कि sec स्क्वायर x अगर रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x, ठीक है। हमको ये भी पता है कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो हम ये भी पता है कि वन बाई अगर कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं तो यहाँ इसके जगह पर हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या आपको हम समझाए हैं इतना आपको समझाया है, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो वन बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। या समझ लीजिए, इसको उतार भी सकते हैं इतना तक। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, देखिए इसको हम क्या किए कि इसको नीचे कर दिए, तो नीचे अगर sec स्क्वायर x करेंगे तो आ जाएगा का चीज cos स्क्वायर x आ जाएगा, इसको अगर ऊपर करते हैं तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। इसको dx कर दिए, अब sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो हमको पता है sin x बाई cos x बराबर होता है tan x होता है, ठीक है, tan x होता है, तो स्क्वायर है तो tan x का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है, dx हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि tan x का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम फिर बदलेंगे sec स्क्वायर x माइनस वन में इसको बदल देंगे और dx कर देंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है कितना होता है tan x माइनस x प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप उतार भी सकते हैं, देख भी सकते हैं फिर से, नहीं समझ में आया कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लग रहा है, आगे भी हम इसी तरह का वीडियो सॉल्व कराएंगे, और भी कुछ डिमांड आपका है कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं, अगला वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 माइनस थ्री साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको क्या किया जाए, तो इसको हम देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको करते हैं 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हम करते हैं, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं और डी एक्स करते हैं, इधर अगर हम करते हैं माइनस, माइनस का साइन है, इसको पहले इसी कर लेते हैं, माइनस थ्री साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं, तो इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब माइनस
इसको अगर हम करते हैं थ्री साइन एक्स, ये को कॉस एक्स यहाँ पर रहने देते हैं, ये को यहाँ पर कॉस एक्स कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको अलग अलग कर दिए हैं, तो इसको लिखेंगे टू शेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स थ्री टेन एक्स इंटू वन बाई कॉस एक्स शेक एक्स होता है, ठीक है। इसका अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो टू शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और माइनस थ्री sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x। आपको शुरुआत में पूरा जो इम्पोर्टेंट था लिखवा दिए थे, तो ये आपका 20 तक कंप्लीट हो गया 7.1। आप इसको देख सकते हैं, कोई समझ में नहीं आता बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइए। थैंक यू।